गुड मॉर्निंग। अभी मेरे जो है दादा वो ना मेरे लिए लाए हैं नाश्ता। चलो देखते हैं क्या लाए हैं वो। इसमें वो लाए हैं पहले यहाँ पे लाए हैं चने। इसकी हम लोग ओपन करते हैं। ये है हमारे शहर का स्पेशल नाश्ता। नाश्ता जो है हमारी क्या है उसमें ना बहुत मशहूर नाश्ता है। इसको हम लोग करेंगे ओपन करेंगे। 1 2 3 को इसमें एक एग भी आता है हर एक वो पैकेट में। तो वो टोटल रहे हैं 2 पैकेट्स। और साथ में कितने लाने हैं? चलो पीछे देखो पीछे यहाँ पे अपनी मम्मा का ध्यान। अपनी मम्मा का वो जो है लेके मोबाइल। ये भी एक छोटा व्लॉगर बना हुआ है। वो शॉपर को लाना मुझे इसमें डालो। यहाँ पे बहुत डल चुका है। इधर जो है वो डल चुका है। बंद कर दो। दादी हमने कर लिया है और अब हमारी बारी है चाय। चाय पीने के बाद देखेंगे हमने क्या क्या आज काम करने हैं, क्या बनाना है और व्लॉग कैसा बनाना है। आज फातिमा का भाई को छोटे भाई को इब्राहिम को खिला रही। उसके बाद हम लोग जाएंगे पीटीएम में। मेरा जो है आज पीटीएम में स्कूल में मेरा रिजल्ट आना है। बस देखते क्या हो जाता है। कौन सी पोजीशन आती है। रेडी हो चुकी और मैंने बहुत अच्छा सा आउटफिट पहन लिया। मैं अपने हेयर स्टाइल बनाई जो है हमारे जो हेल्पर्स है ना उनको आता है एक अच्छा सा हेयर स्टाइल। उनके हेयर स्टाइल बना रही हूँ और फिर हम लोग जाएंगे पीटीएम पे अपने स्कूल बहुत दिनों बाद। फातिमा रेडी हो चुकी है। फातिमा का हेयर स्टाइल बन चुका है। आउटफिट भी पहना जा चुका है। रियान भी तैयार है। अब ये लोग जा रहे हैं फातिमा के स्कूल। फातिमा की पीटीएम में और अपनी मम्मा के साथ जा रहे हैं। इधर फातिमा इस तरफ को उस तरफ को चलो। ओके जी। नर्सरी से हमारे घर अमरूद का पौधा साथ में ये कलियों का पौधा है। ये ऊपर वाली क्यारी में कहीं भी जगह बना के वहाँ पर लगाएंगे। साथ में ये इतनी सारी पालक पता नहीं किस लिए आई है। ये तो मम्मी को पता है। ये पूरा शॉप पर पालक का है। छोटा इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है। इंजीनियर बना है छोटा सा। अबू को बुलाओ जरा। बहन के बाल बना रहे। पहले कहते थे मेरी बहन हार अब ये करिए इसके बाल बना। अब इसने देखा इसके कितने प्यारे बालों में और इसको कितना सजा दिया। चलो शिक्षी करे। चलो इसको सुला देते हैं। चुके 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 चुके
बनाने लगे हैं जी। आज हम मूंगी की दाल, सब कुछ चीज़ें डाल के, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चें और नमक, ब्लैक पेपर, रेड पेपर और सब कुछ डाल के कूनी में कूट लिया था। और ऑयल कढ़ाई में डाल के मैंने डाल दिया था इसमें सारा मसाला, और साथ में डाल दिया था चिकन क्यूब एक, और अच्छी तरह मिक्स कर लिया, भून लिया और पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें ऐड कर ली थी मैंने दाल, पानी थोड़ा सा पक गया तो दाल डाल दी, और हमारी ये मूंगी की मज़ेदार सी दाल हो गई थी रेडी। ये बनाया था जी आज हमने डिनर। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए बर्गर, जिसके लिए ली है मैंने मायोनीज, उसमें डाला है गार्लिक और साथ में डाला था मैंने सॉल्ट एक पिंच, साथ में डाली थी रेड चिली और ब्लैक पेपर वो भी बहुत थोड़ी सी, और साथ में डाली थी मैंने रेड पेपर वो थोड़ी ज़्यादा डाली थी, और एक टेबल स्पून डाला था मैंने जी इसमें लेमन जूस, और इसको कर लिया था अच्छी तरह मिक्स। और ये बहुत अच्छी मायो गार्लिक सॉस रेडी हो गई थी। दिया था अपना पैन, और पैन में हल्का सा ऑयल डाला था और उसके ऊपर रखनी थी बर्गर पैटीज़। ये मैं लेके आई थी रेडी टू ईट वहाँ से जब मैं करने गई थी ग्रॉसरी, और इसको मैं बना लूँगी। और साथ में मैंने रख ले लिए हैं चीज़ और बर्गर बंस, और साथ में डालूंगी मायो गार्लिक सॉस और थोड़ी सी बंद गोभी। बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है, बच्चे वेजिटेबल्स टमाटर प्याज बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, इसलिए उनके लिए ये इनफ है। मैंने ले ली है अपने बर्गर बन और मायो गार्लिक सॉस लगाई है, साथ में लगाई है मैंने जी बंद गोभी, साथ में लगाई बर्गर पैटी और ऊपर रखा एक चीज़ का स्लाइस। उस दूसरे बन के ऊपर थोड़ी सी मायो गार्लिक सॉस लगा के 2 से 3 उसके ऊपर लगाई थोड़ी सी बंद गोभी, और मैंने इसको कर दिया बंद। और हल्का हल्का सा मैंने इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। और ये तैयार थे जी मेरे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पैटी बर्गर घर में रेडी, जो बच्चों ने और हम सब ने बड़े शौक से खाए थे। मिलेंगे जी अब हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई खुशियों के साथ और नई बातों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।